हेलो एवरीवन। तो आज हम फिर से मिल रहे हैं हमारे एक न्यू व्लॉग के लिए, और आज मैं आपको कहीं घुमाने या कोई न्यू प्लेस दिखाने नहीं आया हूँ, बट मैं आज आपको एक ऐसे इवेंट के बारे में बताने आया ना जिसका वेट हम पूरे 500 सालों से कर रहे थे, और ये हम लकी है कि हमारे एज में हम उसको लाइव देख पाए हैं। तो ये जो इवेंट था ये था अयोध्या का राम मंदिर। तो ये राम मंदिर हमारे सामने बन रहा है, और यहाँ पर अभी राम जी की 22 को प्राण प्रतिष्ठा भी हुई। तो हम बहुत लकी है कि रियली बहुत लकी है कि हमें ये देखने मिला, नहीं तो 500 सालों से लोग वेट कर रहे थे, उसके बाद अब हमें ये देखने मिला है। तो ये जो सेलिब्रेशन था ना ये पूरे वर्ल्ड में हुआ है, तो ये सेलिब्रेशन हर किसी ने अपने अपने तरीके से किया। तो ये सेलिब्रेशन मेरे बिल्डिंग में और सिलवासा में भी हुआ था, तो ये हमने भी किया था। तो इसमें 4 दिन का हमारे यहाँ पूरा इवेंट चला, तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें हुई, उसमें बच्चों के परफॉर्मेंस थे, रंगोली था, और भी बहुत सारी चीजें हुई। तो मैं सारा आपको वो ही दिखाने के लिए आऊँ, तो अभी आप आके देखोगे ना तो आपको पूरा दिखेगा, काफी मजा आने वाला है। तो मुझे बहुत मजा है, 4 दिन ऐसा लग रहा था कि जैसे हम कोई अलग ही दुनिया में आ गए, और पूरा पूरा फेस्टिवल चल रहा है। तो बस मैं ये 4 दिन आपके साथ शेयर करने के लिए आया, तो देखो आपको मजा आने वाला है। तो आगे आपको दिखेगा ना पूरे 4 दिन के इवेंट दिखेंगे, तो मिलते हैं, आप देखते रहो, मजा आने वाला है। अजर बिहारी
Yeah.
हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप सब जानते हो कि 22 को अयोध्या में राम मंदिर है, वहाँ पर जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, तो ये एक फेस्टिवल जैसा पूरा इंडिया के लिए है। और ये फेस्टिवल समझ लो पूरे इंडिया में हर जगह पे सेलिब्रेट हो रहा है, तो ये मेरे सोसाइटी में भी हो रहा है। तो मैंने सोचा यहाँ के भी आपको कुछ क्लिप्स दिखा देता हूँ। तो ये मेरे सोसाइटी में देखो, यहाँ पर पूरा सेलिब्रेशन चल रहा है। तो ये पूरा एंट्री है बिल्डिंग का, तो यहाँ पर बना दिया है। वहाँ पर सब जगह पे देखो फ्लैग्स लगे हुए, और अंदर मेरे सोसाइटी में 4 दिन से चल रहा है, 4 दिन से यहाँ पूरी प्रिपरेशन चल रही है। तो ये सब माला भी सोसाइटी वालों ने ही बनाई है पूरी, जितनी भी माला आपको दिख रही है ना एंट्री में, ये भी पूरी सोसाइटी में ही बनाई है। तो ये जो 4 दिन है मैं पूरा आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये 4 दिन के अंदर क्या क्या होने वाला है, तो वो सारा चीज़ आपको पता चलेगा। तो आप देखो, मज़ा आएगा कि हर जगह कैसा सेलिब्रेट हो रहा है। तो मैं बाकी जगह का भी आपको दिखाऊंगा, बट मैं मोस्टली यहाँ पर मैं मेरे सोसाइटी का बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर सब बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा हैप्पी है इस चीज़ को लेकर, बहुत सब लोग मेहनत कर रहे थे। मैंने सोचा यहाँ का पहले दिखाया जाए। तो अभी देखो वहाँ पर रंगोली भी बन रही है, अंदर बहुत प्यारी सी रंगोली बन रही है, वो भी दिखाता हूँ। पूरे बिल्डिंग में बन रही है, तो यहाँ से पहले तो दिखा देता हूँ मैं आपको। हेलो, तो आज है 22 ऑफ जनवरी, जिस दिन के लिए सारी प्रिपरेशन मैं आपको जो दिखा रहा था ना इतने टाइम से, वो सारी इसी के लिए हो रही थी। तो अभी मैं जाने वाला हूँ, एक ही फ्लोर पे सारी रंगोली बन गई, पूरा फ्लोर सजा दिया, मेरी बिल्डिंग पूरी सज चुकी है अच्छे से। तो मैं सोचा अभी पहले आपको दिन में दिखा देता हूँ, शाम को बहुत सारे प्रोग्राम्स भी है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी मैं पहले चलता हूँ, सारे फ्लोर्स है उस पर रंगोली बनाई है, सारा फ्लोर सजाया हुआ है, तो पूरा आपको दिखा दूंगा। तो आप देखो, आपको मज़ा आने वाला है।
मेरे तन मन धड़कन में सिया राम राम है, मन मंदिर के दर्पण में सिया राम राम है, तू ही सिया का राम, राधा का तू ही श्याम, जन्मों जन्म का ही ये साथ है, मीरा का तू भजन भजते सब आ गया, लेकिन वो गेट से लेके यहाँ से पूरा आ गया। उसमें भी आ जाएंगे, ऊपर भी आ जाएंगे, इधर भी आ जाएंगे, ऊपर इधर इसमें इसमें Yeah!
अजर बिहारी हमारा सेलिब्रेशन 22 जनवरी के लिए सब जगह पूरे ये तो पूरे वर्ल्ड में हुआ बट हमारे सोसाइटी में था तो मैं सोचा आपको शेयर करूंगा। तो इसके जो म्यूजिक्स है ना बहुत प्यारे म्यूजिक्स है बट क्या करूँगा यूट्यूब के कॉपीराइट की वजह से मुझे सारे म्यूजिक हटा के दूसरे म्यूजिक इसमें ऐड करने पड़े नहीं तो आपको और भी मजा आता। तो मैंने ट्राई तो किया कि मैं आपको वो एक्सपीरियंस करवा सकूँ जो मैंने किया है 4 दिन के अंदर। तो ये जल्दी से आप देखना और मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा क्योंकि ये मैंने कुछ न्यू ट्राई किया था नहीं तो मेरे ट्रैवलिंग के होते बट ये मैंने सोचा कि इस बार मैं कैप्चर करके डालता हूँ। तो वैसे तो मैं और भी आपको अच्छी अच्छी प्लेसेस घुमाने वाला हूँ बट ये मैं मोमेंट चाहता था कि मैं सबके साथ शेयर करूँ इसलिए मैंने आपके साथ भी शेयर किया। तो जल्दी मिले किसी न्यू ब्लॉग के लिए। और अगर आप ये पहली बार वीडियो देख रहे हो तो पहले के भी मेरे सारे वीडियोस देखना उसमें भी आपको मजा आएगा क्योंकि वो सारे ट्रैवलिंग वाले आपको न्यू प्लेसेस देखने के लिए मिल जाएगी। तो जल्दी मिले हैं किसी न्यू ब्लॉग के लिए। मैं बहुत सारे प्लेसेस घूमने आने वाला हूँ तो आपको भी लेकर जाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।